सुन यार, एक प्रॉब्लम है। कल ना पूरा दिन मन्ने चौकी में रहना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो बेवकूफी में? ये बोल ले यार। अरे कल कोई आईजी आ रहा है, अंडरकवर आईजी, चौकी का मुआयना करने। ऐसी हालत में मैं ही चौकी में ना रही ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तू कल किसी भी तरह अपना घर और अपने डैडी ने संभाल ले। ठीक है, तुम चली जाओ। मैं डैडी से कह दूंगा कि तुम्हारी कोई आंटी आई हुई है और तुम जिनसे मिलने गई हो बेवकूफी में। हाँ, यो सही रहेगा। वेरी गुड यार। हाँ। तू सोच सके यार, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना किया कर। ठीक है, है? ठीक है। बहू जी, जी 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 दादी जी आई। बाप को चैन ना है थारे? इनसे मैं भी बहुत परेशान हूँ। हेलो। हाँ डार्लिंग, क्या क्या कह रही हो बेवकूफी में? तुम्हें वीजा नहीं मिला, तुम्हें एक हफ्ता और लग जाएगा इंडिया आने में। हे भगवान, अब क्या होगा बेवकूफी में? अब तो मर गए यार, क्या करूं क्या करूं क्या करूं यार। दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। या सर, सर क्यों हो रहा है सर ये सब डांस? कोई डांस रियलिटी शो में पार्ट लिया है सर आपने? ठहरो यार, पहले पान बाद में काम। ओके, तुमने सुना नहीं जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने क्या कहा था कि आने वाले आईजी साहब जो हैं वो बहुत ही शौकीन मिजाज इंसान है। मैं तो उनके आते ही टिकाने की बात कर लूंगा, वैसे भी बहुत शौकीन है वो। और मैंने उन्हें फिल्म दिखाने के लिए नारायण टॉकीज लेके जाऊंगा, वैसे भी वहां पे हसीना हलवे वाली हाउसफुल चल रही है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोगों ने ठीक से सुना नहीं था क्या? सर आपने सुना नहीं था, कमिश्नर साहब ने कहा था वो ये देखने आ रहे हैं कि किस चौकी में किस तरह कैसा काम हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद ये टिकाने की और फिल्म देखने की वो बात सुनेंगे तो तुम दोनों को सबसे पहले सस्पेंड करेंगे वो, सबसे पहले। या दिस वन। हाँ यार, टेंशन मत लो, हम है ना, हम कब कहाँ आएंगे, हम सबको जो है वो सेट कर देंगे एकदम, समझे? अब बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, हेलो गोव स्पीकिंग। अबे ओ प्रिंस विलियम, नॉर्मल रह ले। सुन, वो अंडर कवर आईजी तो ना आ गया अब तक? नानजी जी, मम्मी जी अभी तक तो नहीं आए हैं जी। वैसे किसी भी मोमेंट आ सकते हैं। मोमेंट? या दिस वन। ठीक है, तू फोन रख, मैं आ रही हूँ जल्द से जल्द। मेंशन नॉट। किसका मतलब गोपी? मॉम का फोन था। लगता है आईजी साहब आ गए। भैया मेरे दादी जी हैं। बैठिए बैठिए, पहला वाला तगड़ा होगा उसके बाद झगड़ा होगा। अब पहला वाला तगड़ा होगा उसके बाद झगड़ा होगा। भैया मैडम भी पता नहीं कहाँ रह गई, उनको तो पता भी नहीं है कि अंडरकवर आईजी के कवर में से उनके नकली ससुर जी निकले। या मॉम को यही रोककर बताना होगा ये राज इसदा, वरना खुल जाएगी सारी बात इसदा। हुकुम है, आया था, मुझे पता क्या होने वाला है। निकलने तो दे यार, हवलदारी छोड़ के बात मैंने शुरू कर दी है के? जो बाहर खड़े हो कतई धूप में।
क्या कर रहे हो बाहर? इंतजार। कौन गुजरने वाली है यहाँ से, पप्पू तिवारी की साली या गुलशन डीबीडी वाले की भांजी? वेल मॉम, हम कर रहे हैं आपका यहाँ वेट इज द झांसी में है इंडिया गेट इज द मुंबई में है भैया, दिल्ली में। या दिस वन। क्यों भाई, कौन सी टेंशन की सुनामी, मुसीबत का पहाड़ है और प्रॉब्लम की तबाही आ गई जो मारे इंतजार में धूप में खड़े खड़े सूख रहे। मैडम तूफान आया नहीं है लेकिन आ सकता है, तबाही हुई नहीं है लेकिन हो सकती है, सुनामी पहुंची नहीं है लेकिन पहुंच सकती है। बोल के बोल लो। और हाँ, वो अंडर कवर आईजी साहब वो आए कि नहीं अब तक? मैडम वो आ गए हैं, उनका कवर भी खुल गया। या मॉम, फटा कवर निकला आईजी इज़दा जो आपके हैं ससुर जी इज़दा है। हाँ मैडम, वो और कोई नहीं, आपका जो फ्रेंड है ना सुंदर, उसके डैडी ही है, वही है मैडम आईजी। और मैडम उन्होंने हम दोनों को देख लिया और हम लोगों को उन्होंने बुलाया और पहचान लिया उन्होंने, और फिर हम लोगों को थैंक्स बोला उन्होंने, और फिर हमसे कहा है कि वो हमारा प्रमोशन करेंगे। लेकिन मैडम अगर उन्हें ये सारी कुछ बात पता चल गई तो वो हम दोनों को और आपको भी सस्पेंड कर देंगे। सुंदर ने तो कभी मन ने बताया ही नहीं कि उसका डैडी आईजी है यार, यो के प्रॉब्लम आ गई। ओहो, चलो एक काम करो, तुम लोग अंदर चलो, मैं सोचती हूँ क्या करना है। ओके चलना यार, सुंदर का डैडी आईजी। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम, हम हैं भोजपुरी फिल्म की प्रोड्यूसर मुन्नी आजमगढ़िया, फिल्म बनाऊंगी एकदम बढ़िया। हाय। अरे ऑडिशन दीजिए ना, हमारा फैसला कीजिए ना। अरे मैडम आखिर हम आपसे पूछता हूँ कि हमारा कसूर का है, यही कि हम गंजा हूँ, नकली मुंह नकली बाल लगाता हूँ, लेकिन कब फिल्मों के इतिहास में ये पहली बार हुआ। अटैची छूट गई होटल में, गलती हो गई टोटल में। देखिए मैडम, हमसे पहले भी कई हीरो गंजे हुए हैं और उन्होंने पूरी जिंदगी बिग का सहारा लिया है, लेकिन अच्छा काम किया है। अरे मुन्नी जी भाई, अब कहीं और जाके बदनाम हो इसको मैं देख लूं। ठीक है मैडम, थैंक यू, लेकिन ये ना इसकी इतनी शूटिंग करना कि है ना ये पागल हो जाए। थैंक यू। तुम सबसे तो मिल चुका हूँ, बस एक बार चंद्रमुखी चौटाला से मिल लूँ। सर उनसे तो आप रोज मिलते हैं। क्या उनसे हम रोज मिलते हैं? हम उनसे रोज मिलते हैं और आज आपको भी उनसे मिलने का मौका मिलेगा, और आप उनसे मिलेंगे सर तो आपको बहुत खुशी होगी। आप कैसे उनसे रोज मिल सकते हैं, रोज तो हम मिलते हैं ना सर। लेकिन सर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सर है ना हमारे, ये कमाल का डांस करते हैं, एकदम वो उमराव जान टाइप का, मतलब इतना टैलेंट भरा हुआ है इनमें, आप एक बार इनका टैलेंट देखिए ना थोड़ा सर, दिखाइए ना। अच्छा तो हम भी तुम्हारा ये टैलेंट देखें। फसा। तुम तीनों बनोगे चोर और भागोगे, और हम देखना चाहते हैं कि इंस्पेक्टर भोला पंडित कैसे नाच नाच के तुम तीनों को पकड़ता है। हमारे पास इस सिचुएशन के लिए एक हमारा फेवरेट गाना भी है। बहुत बढ़िया भाई,
हम तुम सबसे बहुत इम्प्रेस हुए। वाओ। बस अब एक बार चंद्रमुखी से मिल ले। अब तक तो उसे चौकी में आ जाना चाहिए था। अरे उसका चौकी में आने का कोई टाइम है कि नहीं? क्या कोई इतना लेट आता है चौकी में? चंद्रमुखी चौटाला हाजिर। ए चंद्रमुखी, लुक हियर, ओपन योर आईज। मेरी बहू की शक्ल तुमसे काफी मिलती जुलती है। कहीं तुम्हारी कोई जुड़वा बहन बचपन में मेले में खो तो नहीं गई थी? Not that I remember, sir. My father is a globetrotter. बाकी मम्मी डैडी का मैं इकलौता बेटा हूँ, है ना? मैं कोई शक? शाकी तो हो रहा है। एक बात और। क्या? मुझे लगा था कि चंद्रमुखी कोई लड़की है, लेकिन तुम तो लड़का हो। मैंने पहली बार चंद्रमुखी नाम का लड़का देखा। अरे उसमें क्या है सर? सर, सर के अंकल का नाम है रेनू और इनके आंटी का नाम है रौनक। इनके मामा का नाम है रेशमा और मामी का नाम है शेरा। पूरी फैमिली ऐसी है। That's true, sir. मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। अब हम मजदूरों पे तो मिल मालिकों का गरूर नहीं चलेगा। तुम मिल मालिकों ने हम मजदूरों का बहुत खून चूस लिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब तक हम मजदूरों को हमारा हक नहीं मिल जाता, इस फैक्ट्री में ताला लगेगा, ताला, और कोई मजदूर काम पे नहीं आएगा, समझ गया? मुन्ना और मुन्नी के भविष्य के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा हमको। तू मत घबराना कमला, तू कुछ हुआ था क्या? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? रिहर्सल, ये एक पुलिस के फंक्शन की रिहर्सल कर रहा है जो आने वाली है, तो उसके लिए टाइम खोटी टाइम है नहीं, तो यही चौकी में रिहर्सल चल रही है इसकी। What a talented young boy, very nice, very nice. कोई शक? Good, 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 good. Thank you, sir. तुम सबसे मैं मिल चुका हूँ, लेकिन मैं अभी रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता, इसलिए अगले 3 दिनों तक मैं इस चौकी में आता जाता रहूंगा। चंद्रू, चंद्रू क्या बात कर रही हो बेवकूफी में? अबे सत्य बात कर रही हूँ। अबे थारा डैडी अंडरकवर आईजी से आईजी हैं? और आज तक मुझे यही बताते रहे
कि बीमा एजेंट है बेवकूफी में। अबे बेवकूफ तू से बताओ बाप बेटे कैसी केमिस्ट्री हो रही। बेटे ने बेरा कोई ना है कि बाप के कवर के अंडर केस है। अरे हाँ वो थारी गर्लफ्रेंड वो जहाज आने वाली थी जहाज में उड़ के कितने बजे आ रही। हाँ वो ही तो बताने आया था कि प्रॉब्लम है बेवकूफी में। ए, सुंदर मैं इब तुम नहीं हो ना कहियो कि जो गर्लफ्रेंड थारी आज आने वाली थी वो आ ना रही और यो जो ड्रामा है हमें कुछ दिन और खींचना पड़ेगा। हाँ खींचना तो पड़ेगा बेवकूफी में। सुंदर मैं तेरे रैपट मार दूंगी। अबे तू कॉलेज के टाइम से ऐसा ही है यार वीक मैन। कम ऑन चंद्रू यू कैन डू इट। हाय मैं जानता हूँ तुम मुझे हर बार बचाती थी आज भी बचा लो ना प्लीज। अबे आई कैन डू इट बट व्हाई कांट यू डू इट। मैं अपने डैडी ने जाके क्यों ना कह रहा कि सॉरी पापा मैं आपके दोस्त की बेटी से शादी नहीं कर सकता मारी गर्लफ्रेंड से टीना उसी से करूंगा मैं शादी। नहीं नहीं चंद्रू नहीं मुझ में हिम्मत नहीं है डैडी से कहने की। तुमने आइडिया दिया था ना और तुमने कहा था ना कि जब मेरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी तो तुम डैडी को समझा दोगी और बताओगी कि ये सब ड्रामा था। देखो कुछ भी हो जाए मैं तो है ना बस टीना से शादी करना चाहता हूँ बेवकूफी में। अबे पर थारा डैडी आईजी से आईजी उनका क्या करूं वो भी मारी चौकी में से ना उनको मैं चौकी में संभालू मूछ लगा के जो चिपकना दी या घर में संभालू बहू बन के। समझ ना आ रहा करूं तो क्या करूं कुछ तो करना पड़ेगा। पहला वाला तगड़ा होगा उसके बाद झगड़ा होगा। गुड इवनिंग डैडी जी। बहू जी डैडी जी इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो। वो डैडी जी मेरी आंटी आई हुई है ना तो उन्हीं से मिलने गई थी। अब वो इतना लाड़ करती हैं वो छोड़ती नहीं ना खाना वाना खिलाए बिना भेजती नहीं है। हाँ हाँ सुंदर ने कहा था चंद्रमुखी चौटाला।